हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के दाल। आप देख लीजिए सामग्री जो चल रही है। एक टमाटर है बड़े से, एक बड़ा प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च दो है और हरी धनिया है बस कुछ सामान में। और ये आधी किलो तक आलू है। आप इसको हम पहले मैश कर लेंगे पूरे तरह से, पूरे जैसे चोखे बनते ना पूरे मैश। आलू मैश हो चुकी है पूरे तरह अच्छे तरह से, और तब तक हम कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी और इसमें डालेंगे सरसों तेल। दाल के जैसे हम हल्के तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं, जैसे हम प्याज फ्राई हो जाए बस गरम होने दें। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा एक से डेढ़ चम्मच हम डालेंगे, जीरा का कुकिंग थोड़ा ज्यादा होगा। और इसमें मेथी है थोड़े से, हरी मिर्च, बीच बीच में चलाते रहेंगे मीडियम आंच कर लीजिएगा कि जले ना। अभी इसको और भूनने देंगे। आगे देखिए इस तरह भून जाए, भून गए हमारे प्याज। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हल्का ऐसे मिला लें। और इसके बाद जस्ट हम एक बड़ी टमाटर डालेंगे इसमें। अगर आपका मन करे तब आप इसमें जीरा धनिया और मिर्च के मिर्च मसाले, अगर मन करे तब आप इसमें मसाला डालिए, नहीं तो आप ना भी डालिएगा तो चलेगा, क्योंकि आलू का दाल है, दाल की तरह बनेगा। एक बड़ी चम्मच आप नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और हम हल्दी पाउडर, आप और इसको हम अच्छी तरह से 2 मिनट तक भून लेंगे, ज्यादा नहीं। और इसमें हम जितना हमें घोल बनानी है, आलू के दाल जितनी बनानी है उतने हम बढ़िया से मिला लेंगे। तब तक हमारा यहाँ पे मसाला भी पक रहा है, यहाँ पे तब तक हम घोल बनाने जितना आपको दाल चाहिए। और अब देखिए चारों बगल से ये तेल और मसाला छोड़ दिया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे ये ओली हुई आलू। और इसको थोड़ा देर तक उबलने दें मीडियम आंच में। अब हमारे तक किसी से उबल रहा है, इसको बस दाल थोड़े से पक जाए, ऐसे बीच बीच में चलाते रहें कि जैसे लग ना जाए नीचे। अब हमारा दाल परफेक्ट पक चुका है। आप जितने पतले खा सकते हैं, जिस चीज अकॉर्डिंग खा सकते हैं आप रख लें। हमें चावल के साथ खाना है, हमारे चावल भी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। तो ये धनिया पत्ता और अब ये आलू के दाल आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।